हवाले से कैंप पे भयो। हे गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग। रुको भाई 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 रुको। आज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाला जिसका मैंने कर चुका हूँ। हे गाइस क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खा रहे होंगे, पी रहे होंगे। तुम्हारा भाई भी एकदम फर्स्ट क्लास है गाइस। तो गाइस आपने कल वाली वीडियो में मेरे को बहुत सारा प्यार दिया है और काफ़ी अच्छी चली हुई वीडियो, और आपका थैंक यू सो मच उस वीडियो के लिए, इतना प्यार देने के लिए। और जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो में कमेंट किया था कि यार जैसे कोई मुझे बर्फ़ वगैरह का, स्नोफॉल वगैरह का कोई मेरे को न्यू अपडेट मिलेगी तो मैं आपको जल्दी दूंगा। तो गाइस एक न्यू अपडेट मेरे पास है और वो है कि नैनीताल में कुछ जगह में बर्फ़ पड़ी है। और गाइस मैंने भी ना अभी वहाँ गया नहीं था, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ नैनीताल को और आपको दिखाते हैं कि वहाँ कितनी बर्फ़ वगैरह पड़ी है। और जल्दी जा रहा हूँ कि आज मौसम भी ठीक ठाक है, आप देख सकते हैं, और धूप भी आ रही है। इससे पहले कि बर्फ़ गल जाए तो हम फटाक से निकलते हैं नैनीताल को। हे गाइस हम पहुंच चुके हैं फाइनली नैनीताल में, और नैनीताल में भैया जहां बर्फ पड़ी है। तो अभी थोड़ी देर बताऊंगा मैं कहां कि हम कहां गए हैं बर्फ देखने भाई। तो नैनीताल में आपको अभी इस सारे सीजन में सिर्फ यहीं बर्फ मिलेगी। और आज मेरे साथ है ललित जी अपने मित्र, और साथ में अभी जिया जी भी हैं मेरे, तो उनसे भी थोड़ी देर मिलाता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड किनारे बर्फ पड़ी है बढ़िया सी। बर्फ तो ना मेन नैनीताल में पड़ी नहीं है फिलहाल, तो हम आए हैं नैनीताल से कम 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर आ रखे हैं। और जहाँ अभी बर्फ़ पड़ी है वहाँ एक शानदार जगह है पीछे को, ये पड़ेगी नैनीताल में बर्फ़ भाई बढ़िया से। और अगर आपको नैनीताल में बर्फ़ देखनी है तो मेरे ब्लॉग को पूरा देखो। तो मैं अभी थोड़ी देर बताऊँ कि नैनीताल में आपको अभी बर्फ़ कहाँ मिलेगी। सो नैनीताल में कुछ खास जगह है भाई, गुप्त जगह है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बताऊँगा। और मेरा वीडियो, मेरा जो ब्लॉग है आप पूरा देखना, तभी मैं आपको बताऊँगा। और अभी तो उसके बाद अभी हम आई को चलते हैं और देखते हैं अभी कहाँ पड़ी है। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ तो है नहीं, और सुबह से धूप थी तो अभी गल भी चुकी है। और भाई गजब का ठंडा हो रहा, भाई गजब का एकदम फर्स्ट क्लास ठंडा हो रहा भाई। और फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां बर्फ़ पड़ी है भाई नैनीताल में, और आप देख सकते हो गाइस ये देखो, हाँ भाई भाई साहब। और नैनीताल में भी आते हैं तो आपको कहीं बर्फ़ नहीं पड़ेगी, ये नैनीताल के पीछे जो बैक साइड एरिया है वहाँ पर भी बर्फ़ आपको अभी दिख जाएगी, तो आप आ सकते हैं इधर के एरिया में। सो गाइस ये देखो भाई क्या ही सीन है भाई। सो गाइस आज के जो मेरे ब्लॉग में साथ हैं ये हमारे जिया जी, हेलो, ये जिया जी हमारे सेकंड नंबर वाले, और ये हमारे ललित जी मित्र, इनसे तो आप काफ़ी बार मिल चुके हैं। तो आज हम आए हैं बर्फ़ ढूंढते भाई, और बर्फ़ ढूंढते ढूंढते हम बड़ी दूर आ गया भाई नैनीताल से। देखो यहाँ पर कितनी सारी भीड़ आ गया, आप पीछे देख सकते हैं भाई टूरिस्ट इधर पूरा टूरिस्ट यहाँ पर इकट्ठा हो गया भाई। तो आप देख सकते हैं काफ़ी टूरिस्ट आ रहा है, अगर आप भी आना चाहें तो भाई आ सकते हैं। देखो गाइस आप देख सकते हैं भाई बर्फ़ के लिए, इतनी सी बर्फ़ के लिए भी इतना पागल है टूरिस्ट वगैरह, और हम तो भाई यहीं रहते हैं। हमें कोई पागल जी कैंप में, हवाले जी कैंप में है, यो ये तो नन्नन बर्फ है, यो निन्नू बर्फ है, निन्नू बर्फ। सो गाइस मैं बताता हूँ कि मैं नैनीताल में कहाँ हूँ। नैनीताल में भाई, नैनीताल से आप नैनीताल होते हुए आप 4 से 5 किलोमीटर दूर पड़ता है हमारी एक जगह है बारा पत्थर होते हुए, आप पंगूट कहते हैं इधर एरिया में। और फिलहाल तो मैं अभी किलबरी नामक एक जगह है तो आप वहाँ पर आ सकते हैं, पंगूट कहते हैं, पंगूट कहते हैं इधर की जगह को, और आप यहाँ आ सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देख ही सकते हैं आप, पीछे बर्फ़ वगैरह मिल जाएगी नैनीताल में। और गाइस देखो मैं दिखा दी नैनीताल में बर्फ़, और भाई ये बर्फ़ भी ना इतनी मुश्किल से ढूंढा के मिली ना कि क्या ही पता है। और अभी तो हमारा चेना पीक वगैरह भी है ऊपर को, वहाँ भी शायद हो सकती है बर्फ़, लेकिन मैं कंफर्म नहीं था तो इसलिए मैं इधर को आ गया, क्योंकि मेरे को पता है यार यहाँ हमेशा बर्फ़ मिलती है, यहाँ भी एक हफ्ता और रहेगी शायद बर्फ़ अगर धूप नहीं आए तो, क्योंकि इस रोड में बहुत काफ़ी कम धूप आती है, तो इसलिए यहाँ पर बर्फ़ कल तक का परस तक का रुक सकती है। अगर आप आना चाहते हो तो फटाफट से आओ भाई बर्फ़ देखने नैनीताल में। और नैनीताल में जहाँ आना है उस जगह का नाम है पंगोट,
भाई याद रखना, पंगुट कहते हैं इधर को, और ये अपने 12 पत्थर साइड को पड़ता है। आप किलबरी वाली रोड में भी आ सकते हैं, तो दोनों जगह एक ही पड़ती है, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं निजाल में। और गाइस अगर ये वाला ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो उसके बाद मैं आपको एक अपडेट और दूंगा। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, थैंक यू।